हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एपिमर्स। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था एनोमर्स क्या होते हैं, तो हमने बताया था कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 को और फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 को हम एनोमर्स बोलेंगे, और एनोमर्स में OH की पोजीशन के हिसाब से हम उसे अल्फा और बीटा में डिवाइड करेंगे। अब हमारा टॉपिक है एपिमर्स। तो बेटा, एपिमर्स में हम कार्बन नंबर 1 को काउंट नहीं करते, जैसे एनोमर्स में हम क्या कर रहे थे, कार्बन नंबर 1 को काउंट कर रहे थे। एपिमर्स में हम बोलेंगे कार्बन नंबर 1 को छोड़कर बाकी अगर किसी और कार्बन में डिफरेंस देखने को मिलता है तो उसको हम एपिमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो बेटा, आइसोमर्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज। अब OH और H को हमें चेंज करना है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पर नहीं। अगर हम OH और H को चेंज करेंगे कार्बन नंबर 1 पर तो उसे हम एनोमर्स बोलेंगे, और अगर हम OH और H को चेंज करेंगे अदर देन कार्बन नंबर 1 पर, यानी कि 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं, 6 पे भी कर सकते हैं, बस 1 पे नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिमर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा रही हूँ, ये ग्लूकोज है और ये मैनोज है, इसके पास भी 6 कार्बन होते हैं, इसके पास भी 6 कार्बन होते हैं। अब हमें यहाँ पर कार्बन नंबर 1 को काउंट नहीं करना, क्योंकि कार्बन नंबर 1 हम काउंट करते हैं एनोमर्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड पे H है, राइट हैंड साइड पे OH है, जबकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे OH है और राइट हैंड साइड पे H है, यानी कि ये दोनों डिफर कर रहे हैं। थर्ड पर देखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट में OH है, राइट में H है, यहाँ पर भी OH है, H है, यानी कि ये दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फोर्थ नंबर पे, ये H OH है, ये भी क्या है, H OH है, यानी कि यहाँ पर भी सेम है। यहाँ देखेंगे H CH2OH है, यहाँ पर भी H CH2OH है, यानी कि यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज और मैनोज कहाँ डिफर कर रहे हैं, कार्बन नंबर 2 पे। तो दे बोथ आर एपिमर्स एट कार्बन नंबर 2। ठीक, बस 1 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक, अब हम जैसे एक एग्जांपल हमारे पास और है गैलेक्टोज और ग्लूकोज का, इसमें हम कार्बन नंबर 1 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हम एनोमर्स में करते हैं। ठीक, दूसरे में देखते हैं HOH सेम है, OH H सेम है, OH H यहां पर 4 में क्या हो गया, HOH। ठीक है, इसका मतलब कार्बन नंबर 4 पे ये डिफर कर रहा है, यहां पर HCH2OH और यहां पर HCH2OH। इसका मतलब ये हुआ कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज डिफर कर रहे हैं कार्बन नंबर 4 पर, और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपिमर्स एट कार्बन नंबर 4। तो एपिमर्स क्या होते हैं, कार्बन में हमें डिफर करना है H और OH की पोजीशन, बट वो कार्बन नंबर 1 नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।